सच्चिदानंद रूपाया विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। आज सर्वव्याप्त सच्चिदानंद परमात्मा की कृपा से श्रीमद् वेदांत भागवत के तृतीय स्कंध का 12वां अध्याय ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का विस्तार किया इसमें इसका वर्णन है। ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम अज्ञान की 5 वृत्तियां रचित हुई बनी। पहला तम, इसको अविद्या कहते हैं। दूसरा मोह, इसको अस्मिता कहते हैं। तीसरा महामोह, इसको राग कहते हैं। चौथा तमिश्र, इसको द्वेष कहते हैं। पांचवा अंध तमिश्र, इसको अभिनिवेश कहते हैं। ये दूसरा श्लोक है। मनुष्य इन्हीं पांचों के चक्कर में फंसा रहता है। अब ये पांचों को बनाकर भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने दूसरी सृष्टि रची। उन्होंने सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 ऊर्ध्व रेतस मुनि उत्पन्न किए। ऊर्ध्व रेतस का मतलब आप जानते हो या ना जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। जो अपने ऊर्जा कणों की ऊर्जा कणों को ऊपर की तरफ अपनी मेरु रज्जु के ऊपरी केंद्रों की ओर और परमात्मा जैसे उच्चतम लक्ष्य की ओर अपनी ऊर्जा को उठाता है, लगाता है, उसको ऊर्ध्वरेतस्त कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में ऊर्ध्व यानी ऊपर, रेतस यानी ओज, इसको तेज, इसको वीरी भी कहते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने फिर ये दूसरी तरह की सृष्टि की रचना की। फिर ये चौथा श्लोक था। जब उन्होंने इन बच्चों से कहा, चारों से, कि आप
सृष्टि उत्पन्न करना करो तो ब्रह्मा जी से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यह सृष्टि सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल परमात्मा के एकदम शुद्ध स्वरूप थे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब आप देख सकते हो कि कभी कोई किसी की बात आज्ञा न माने तो उस आदमी को क्रोध आता है। यहां से ब्रह्मा जी को पहली बार उन्हीं के द्वारा रची हुई माया ने मोहित करके क्रोधित कर दिया। तो ये क्रोध जब आया तो उन्होंने क्रोध को रोक लिया। तो नीले और लाल रंग का नील लोहित बालक ब्रह्मा जी की भौं से उत्पन्न हुआ, जो देवताओं का पूर्वज भगवान भव कहलाया। चूंकि वो रोते रोने लगा, रोने से उनका नाम रुद्र हो गया। और जब उनका नाम रुद्र हो गया और वो उत्पन्न हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कहां रहूं, मेरे रहने का स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उनके रहने के जो स्थान दिए वो ऐसे हैं जैसे हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये चंद्रमा और तप, ये उस रुद्र नाम के बालक के रहने के स्थान। ये लगता है कि कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं, इसमें अर्थ छुपा है। पहली बात तो ये है कि सृष्टि में एक संतुलन हमेशा रहा है। जब ब्रह्मा जी ने यह अज्ञान की पांच वृत्तियां रची तो उनका संतुलन बनाने के लिए ज्ञान के चार सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार आए। ऐसे जब तुम्हारे अंदर यदि अज्ञान है तो तुम चिंता ना करो, तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है। अज्ञान है लेकिन अज्ञान पूरी तरह से नहीं है। अगर अज्ञान आज प्रभावी दिख रहा है तो कहीं दबा हुआ ज्ञान भी है। और ये जो अज्ञान है ये जब क्रोध के रूप में प्रकट होता है तो इससे कोई लाभ नहीं होता। इससे तुम्हारे जीवन में रुदन और रोना आता है, जिसको कि रुद्र कहा गया। इसलिए जो क्रोध करेगा वो रोएगा, फिर बाद में पछताएगा, फिर बाद में, लेकिन तब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने क्रोध किया तो क्रोध करके ऐसा नहीं कि तुम किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हो। क्रोध करते ही सबसे पहले तुम्हारा नुकसान होता है। जितनी ऊर्जा दुनिया के किसी भी काम में नष्ट नहीं होती उतनी ऊर्जा क्रोध में एक साथ नष्ट होती है और आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं। तो उस रुद्र के साथ एक रुद्राणी थी, उन्होंने जो भी प्रजा उत्पन्न की रुद्राणी और रुद्र ने दोनों ने मिलकर, वो बहुत भयानक थी और संसार को खा रही थी। इसलिए भगवान ने रुद्र को तपस्या करने को भेज दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम प्रजा उत्पन्न न करो। इसमें भी एक गहरा संदेह,
जब तुम रौद्र अवस्था में या कुपित अवस्था में या अशांत या क्रोधित या परेशान या दुखी या रोते हुए जो भी कुछ करते हो वो समाज के लिए लाभदायक नहीं होता बल्कि हानिकारक होता है। आज इस पृथ्वी पर इतने नकारात्मक लोग क्यों हैं? हत्यारे, अपराधी, व्यभिचारी, भ्रष्ट, मैं क्या क्या कहूं, ऐसे लोग क्यों हैं? ऐसे लोगों के होने के पीछे तुम्हारा दोष, तुम्हारे पूर्वजों का दोष। वो खुद तो शांत थे नहीं, वो तो खुद रोते जीते जीवन जी और ऐसे ही तुमको पैदा करके अशांत खुद थे, अशांति बच्चे पैदा किया। ये इस मिथक का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर अशांत होकर संतान उत्पत्ति करेगा तो उसकी संतान जो होगी वो विध्वंसक होगी, संसार को नुकसान करेगी, एक तरह से संसार को खाएगी। खाए जा रहे हैं लोग, ऐसे सैकड़ों लाखों उदाहरण है इस पृथ्वी पर जिसमें आदमी आदमी को खा रहा है। कैसे खा रहा है? अनेक तरह से खा रहा है। कोई मिलावट करके खा रहा है, कोई ठग के खा रहा है, कोई माइंस बिछा कर लोगों को खा रहा है, कोई विमान उड़ाकर किसी बिल्डिंग से टकरा के लोगों को खा रहा है, कोई अपने शरीर में बम बांध के लोगों को खा रहा है, कोई अपने ही घर में अपने माता पिता की आज्ञा ना मानकर उनको परेशान करके उनको खा रहा है, कोई पति है तो पत्नी परेशान है, शराब पीता है या गाली देता है, परेशान करता है, पत्नी को खा रहा है, कोई पत्नी है तो अपने पति को खा रही है क्योंकि वह अशांति से पैदा हुई है, अपने पति को चैन से नहीं जीने देती। ऐसा नहीं कि मनुष्य, मनुष्य मात्र के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार और अज्ञान है, इसलिए कोई यहां पर तब तक शुद्ध नहीं हो सकता तब तक कि वो खुद शांत ना हो जाए। हां, अगर कोई अशांत व्यक्ति है तो मेरा ध्यान उसको शांत कर सकता है, आनंदित कर सकता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया और 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों में नाम बोलता हूं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र नारद। ये 23 और 24 श्लोक है। जैसे कि आप सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे कि तो सब ऋषि थे, ये तो सब ऋषि थे। ऋषि भगवान के दाएं, भगवान ब्रह्मा के दाएं स्तन से, यानी दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से भगवान ने अवतार लिया। ये जो 10 पुत्र थे, ऋषि थे, इनके नाम भी इतने पावन हैं, इनकी कथाएं मैं आपको आगे कभी सुनाऊंगा संदर्भ आने पर। पीठ से, भगवान ब्रह्मा के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ,
और अधर्म जैसे उत्पन्न हुआ तो उससे मृत्यु उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के हृदय से काम उत्पन्न हुआ, भौं से क्रोध उत्पन्न हुआ, होंठ से लोभ उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के उपस्थ से समुद्र उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के गुदा से राक्षसों का अधिपति निस्तृति उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति कदर्प जी भगवान उत्पन्न हुए। सारा जगत ब्रह्मा के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा स्वयं ही भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं और सरस्वती जब उत्पन्न हुई तो सरस्वती की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी कामासक्त हो गए। इससे सिद्ध होता है चाहे तुम ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर लो लेकिन काम तुमको कभी भी दबोच सकता है, क्रोध भी तुमको कभी भी दबोच सकता है। इसलिए तुम ये सोचते हो कि तुम सृष्टि का कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लोगे, इंद्र बन जाओगे, ब्रह्मा बन जाओगे और तुम काम से बच जाओगे, तो ये तुम्हारी गलती है। तुम काम से बच नहीं सकते। कथा कहती है कि जब उनके पुत्रों ने ब्रह्मा जी को ऐसे मोहित देखा और उनको समझाने लगे तो ब्रह्मा जी लज्जा के मारे अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया और ब्रह्मा का वह शरीर इस जगत में कोहरा और अंधेरा बन गया। फिर ब्रह्मा के दूसरे शरीर से ब्रह्मा जी ने फिर दूसरा शरीर धारण किया। चार मुखों से चार वेद, उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता अथ अधर्य और ब्रह्मा के चार युधिष्ठिरजों के कर्म, इनका विस्तार, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण, चारों आश्रम तथा उनकी ये वृत्तियां तब ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई। ये उत्पन्न होना, प्रकट होना ठीक वैसे ही है जैसे समय आने पर सूरज प्रकट हो जाता है और अस्त हो जाता है। इसकी उत्पत्ति हुई है लेकिन कैसे हुई है अगर ये पूछो तो मैं इतना कहूंगा कि परमात्मा सच्चिदानंद की योग माया के विस्तार से हुई है। ब्रह्मा तो एक निमित्त मात्र। अब विदुर जी ने पूछा कि किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न हुई, तो मैत्रेय जी ने कहा कि पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद,
पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर में अर्थात उसी प्रकार चारों कर्म शास्त्र होता कर्म ऋचा अयुर कर का कर्म स्तुति होम अगाता का कर्म और प्राश्चित ब्रह्मा का कर्म और फिर आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद यानी संगीत स्थापत्य वेद यानी वास्तुकला फिर चारों मुख से इतिहास पुराण और पांचवा वेद बनाया। ये 39वां श्लोक है इस अध्याय का। आगे ये कथा कहती है कि ब्रह्मा के मुखों से उक्य पौषणी चयन अग्नि होम आप्तोर्याम अतिरात्र वाजपेय और गौतम ये दो दो याग की मुखोग्नि उत्पन्न हुई। विद्या दान तप सत्य धर्म ये चार पाद यानी चार पैर उत्पन्न हुए और समस्त वृत्तियों के सहित आश्रम उत्पन्न हुए। पहला आश्रम जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मचारी आश्रम था। इस ब्रह्मचारी आश्रम के कुछ प्रकार हैं। सावित्र यानी जनेऊ में 3 दिन का ब्रह्मचर्य है। प्रजापत्य ये सब अब षष्ठी बनी तब ये कर्मकांडी चीज है ना। प्रजापत्य ब्रह्मचर्य वार है वेदाध्ययन पर्यंत ब्रह्मचर्य और बृहत यानी जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य ये 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य उत्पन्न हुए। प्रजापत्य में 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य वाही में वेदाध्ययन पर्यंत ब्रह्मचर्य और बृहत में जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य। दूसरी बात दूसरा आश्रम हुआ गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के भी प्रकार हैं। पहला प्रकार है वार्ता, दूसरा है संचय, तीसरा शालीन, चौथा शिलोच्य, ये 4 है। तो तीसरा आश्रम हुआ वानप्रस्थ। वैखानस यानी बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न पदार्थ खाना, जैसे हमारे यहां महिलाएं देवया ऋषि पंचमी के दिन खाती हैं। बालखिल्य नए अन्न पर पहली खेप का दाना प्राप्त करके खाना। आदम्बर प्रातः काल उठकर जिस दिशा में मुख हो उसी से फल लाकर खाना। फेनप अपने आप जो झड़े हुए पेड़ों से हवा इत्यादि के पक्षियों द्वारा गिराए हुए जो फल है वो खाना। ये वानप्रस्थ है। फिर चौथा आश्रम है सन्यासी। सन्यासी में पहला है कुटीचक। कुटीचक का मतलब एक ही स्थान पर कुटी बनाकर रहना, सदा वहीं रहना, वहां से फिर कहीं नहीं जाना। दूसरा है बहुदक। कर्मों को गौण मानकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाला। तीसरा सन्यास है हंस यानी ज्ञानाभ्यासी और चौथा सन्यास है परमहंस यानी ज्ञानी जीवन मुक्त। इसी तरह से अब 4 विधाएं ब्रह्मा जी के
मुख से उत्पन्न हुई एक अभी विकी, दूसरी त्रयी, तीसरी वार्ता, चौथी दंड नीति, यानी आत्मविद्या, स्वर्गादि दात्री कर्म विद्या, खेती आदि व्यापार की विद्या विद्या और दंड नीति यानी राजनीति। चार व्यवहतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से प्रकट हुई। हृदय काश से ओंकार, रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, ये व्यहतियां यानी छंद हैं। अस्थियों से जगती, मज्जा से पंगति, प्राणों से बृहति छंद, वर्ण स्वर वैखरी रूप से व्यक्त, ओंकार रूप से अव्यक्त। ब्रह्मा जी ने जब दूसरा शरीर धारण कर चिवाकी मरीचि आदि ऋषि से सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं हो पाया तो वे दो शरीरों में विभक्त हो गए। ब्रह्मा जी दो शरीरों में विभक्त हो गए। एक शरीर का नाम क और दूसरे का य। क यानी पुरुष और य यानी स्त्री। ब्रह्मा जी अपने आप में दो शरीर से विभक्त हो गए। जो क यानी पुरुष हुए वो मनु कहलाए, प्रथम पुरुष कहलाए, और या यानी स्त्री वो सतरूपा कहलाई। इसको इस्लाम के लोग आदम और हब्बा बोलते हैं, लेकिन वहां थोड़ी सी गलती कर दी। उन्होंने स्त्री का निर्माण पुरुष की पसली से बता दिया, जबकि ऐसा भागवत नहीं कहती। भागवत कहती कि ब्रह्मा जी बराबर दो हिस्से में विभक्त हो गए। यही कारण है कि सनातन धर्म में स्त्री को पुरुष के बराबर माना गया है और अन्य धर्मों में ऐसा नहीं माना गया। और मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ जब मनु और शत्रुपा दो रूपों में ब्रह्मा जी खुद विभक्त हो गए। तो उन्होंने फिर फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन होता है, उस क्रिया के द्वारा पांच संतानें उत्पन्न की, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद, आकृति, देवहूति, प्रसूति, तीन कन्या उत्पन्न की। तीन कन्या दो पुत्र। आकृति रुचि, आकृति का रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। आप पूछोगे ये कहां से चले आ गए, ये रुचि प्रजापति कहां से आ गए? और हम आपसे कहेंगे कि चूंकि ये श्रीमद् भागवत अत्यंत अनेकों कल्पों की कथा है, इसलिए रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और देवहूति का कर्दफ से विवाह हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ। इन तीनों की संतानों से यह संसार भर गया। ये श्रीमद् भागवत के इस वेदांत भागवत टीका का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिव। Thank you.